हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड आप लोग कैसे हो जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड आप लोगों के लिए एक न्यू ब्लॉग से लेके आ गए। फ्रेंड यहाँ पर थोड़ा सा हम गए थे अलमारी देखने, क्योंकि घर में नहीं एक अलमारी है, बच्चों के कपड़े बहुत हो जाते थे इधर, यानी पूरे जो कपड़े होते हैं तो यानी बैग में रखना पड़ता है, तो वही अलमारी देखने गए थे। तो वो क्लिप थोड़ा सा हमने शूट कर लिया था। फ्रेंड अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हम कोई भी वीडियो डालें आप लोगों को नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो यहाँ पर फ्रेंड ये ब्लॉग्स है, यहाँ पर ड्रेसिंग टेबल हमने साफ़ कर रहे थे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चे हैं ना, पूरा इकट्ठा कर देते हैं, और जो जो सामान आता है तो ऐसे ही यानी इकट्ठा होता जाता है। तो मैंने सोचा कि उसको साफ़ कर देते हैं ड्रेसिंग टेबल को। तो आप लोग ब्लॉग्स में बने रहिएगा और फ्रेंड कम से कम 2 मिनट तो ज़रूर ही देखा करिए ब्लॉग्स का, क्योंकि एवरेज व्यू एक भी नहीं मिलता, जिससे वीडियो जो है तो अच्छी चलती नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग 2 मिनट तो ज़रूर देखा करिएगा। तो यहाँ पर चलिए फटाफट साफ़ कर लेते हैं ड्रेसिंग यानी टेबल को, जिसमें मिरर वगैरह को अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पर साफ़ कर लिए हैं कांच को, मिरर को। अब इसमें हम जो सामान है तो उसको जमा देते हैं। फ्रेंड हमारा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फटाफट सामानों को जमा लेते हैं। हम लोग का काम भी घर में इतना यानी करो तो सब बहुत सारा काम रहता, ना करो तो कुछ नहीं रहता। तो इसे करते रहो तो घर की साफ सफाई भी होती रहती है काम में, और मन भी लगा रहता है। तो यहाँ पर हम फटाफट साफ कर लेते हैं, सामानों को जमा लेते हैं। ये शाम का है, ब्लॉग्स है। शाम को मैं ऐसे यानी बच्चों के साथ बैठी थी, फिर देखी तो बहुत ज़्यादा वो दिख रहा था, तो फिर मैं सोची इसको साफ कर देती हूँ। तो यहाँ पर वीडियो को फास्ट कर दिए हैं। तो फिर चलिए फटाफट साफ कर लेते हैं। तो जब अलमारी आएगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे कौन से लिए हमने। यहाँ पर ड्रावर रखा हुआ है, उसमें दवाइयाँ वगैरह रखी हुई हैं, उनको भी सब साफ कर देते हैं। तो फटाफट साफ कर लेते हैं। तो इधर साफ कर लेते हैं फ्रेंड, देख सकते हो आप लोग। तो इधर जो था ड्रावर भी बहुत दिन से साफ़ नहीं करे थे, तो उसको भी साफ़ कर लेते हैं ड्रावर को भी। इसमें दवाइयाँ वगैरह रखी रहती हैं। इधर को पूरा ड्रेसिंग टेबल का जो ड्रावर है उनको भी साफ़ कर लेते हैं। में बच्चे हैं लोग भी लगे थे। तो फटाफट जो सामान निकाले थे उनको अच्छे से जमा देते हैं। क्या है तो सामानों को साफ करते रहो तो पूरा यानी इकट्ठा नहीं जमा होता, नहीं तो इकट्ठा जब हो जाता है तो सफाई करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो मैं यानी मलथली पे साफ ही करती रहती हूँ, जिससे कचरा इकट्ठा नहीं होता है, साफ होता रहता है। अबे बच्चे बैठे हुए हैं, बच्चे कुछ है नहीं कर रहे हैं।
तो देखिए फ्रेंड, हमारा ब्लॉग्स आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइए, कमेंट करिएगा। तो फ्रेंड अगले ब्लॉग्स में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।